सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं बाहर आई हूँ खेतों में। आज मैं लेके जाऊंगी यहाँ से शलजम। ये देखें, ये हम शलजम लेके जाएंगे, फिर हम शलजम गोश्त बनाएंगे। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। हम शलजम को काट लेंगे, काटने के बाद इनको उबाल लेंगे और उतनी देर हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। बाद में हम उसमें शलजम डाल देंगे। पहले हम प्याज को फ्राई ब्राउन करेंगे। ये हमारा प्याज जो है वो अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। उतनी देर मैं बता देती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच लिए लाल मिर्च के, 1.5 चम्मच मैंने लिया नमक का, 1 चम्मच लिया मैंने हल्दी का और 1/2 चम्मच लिया मैंने साबुत गरम मसाले का और 1 चम्मच अदरक का, 1 चम्मच लहसुन का और 2 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें लिए हैं, इनको मैंने काट लिया। इसमें आप लोगों ने एंड पे थोड़ी सी हसबे ज़रूरत चीनी डाल लेनी है। सारे मसाले डाल देते हैं।
लहसुन भी जाएगा। ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। ये चिकन को मैंने भून लिया है और साथ मैंने ये शलजम भी उबाल लिए है। इनका मैं ये ऊपर से जो पानी ये उतार दूंगी, फिर इनको मैं मसल लूंगी। ये मैंने पानी निकाल दिया है शलजम का, अब मैं इनको मसल लूंगी। अब हम इसको डाल देंगे। यह हमारा शलजम गोश्त तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया। हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आमीन आमीन।